मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस डालती हूँ अपने चैनल पर। पर जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि आज से हम जो DSSB है, NVS है, KVS है, इन एग्जाम्स के लिए भी जो है मैं कुछ कंटेंट डालने वाली हूँ, ठीक है। तो वो आज से हम शुरू करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ये जो वीडियो है वो ज्यादातर हेल्पफुल रहेगा DSSB, NVS, KVS और CTET के लिए भी पूरी तरह से यूजफुल है। तो आज ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज से मैं इस नई सीरीज की स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो आप एक प्रकार से आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो देख सकते हो, जो आपको स्पेशली NVS, KVS, DSSB में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो आज जो मेरा पहला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, देन उसके बाद हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे, जितना भी जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो सबके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग अपना एक बेस बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें CDB पढ़ने से पहले, जो कि इन एग्जाम्स में आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी आता है, उससे पहले हमें जो साइकोलॉजी है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए ही मैंने ये पहला टॉपिक ये उठाया कि साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो सबसे पहले। तो जो लोग DSSB, KVS, NVS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। मैंने मतलब काफी ज्यादा सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करके इस वीडियो को बना रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस तरह से आप पूरी सीरीज दो है वो देख सकते हो, इन सारी वीडियोस की जो इस तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका एक मीनिंग बता देती हूँ कि हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का क्या अर्थ लेते हैं। देन हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये शब्द कहाँ से निकला है, कैसे कैसे इसका एक मीनिंग अलग अलग स्टेजेस में जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आया, वो सब बात करेंगे। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसका जो अर्थ है वो बहुत बार चेंज हुआ, उसके बारे में भी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर यानी व्यवहार। तो व्यवहार का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। अभी जो है इसका यही मीनिंग लिया जाता है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसकी स्टडी जो की जाती है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब जैसे आप इसको एजुकेशन के एरिया में समझो कि एजुकेशन के एरिया में हम साइकोलॉजी को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो टीचर है उसको जब तक अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो अगर उसके बिहेवियर को नहीं समझ पाएगा तो उसको वो अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बच्चे को सिखाना है हमें। तो बच्चे को सिखाने के लिए ये है कि पहले जो बच्चा है उसको समझा जाए, उसके बिहेवियर को समझा जाए, तब जाके हम बच्चे के जो भी इंटरेस्ट है, किस चीज में बच्चे को रुचि है, किस चीज में बच्चे को अरुचि है, ठीक है, उसके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सब चीज जो हम जान सकते हैं जब हम बच्चे के बिहेवियर को जानेंगे, ठीक है। और इसलिए टीचर के लिए बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने सुना होगा ना कि जैसे कॉमनली हम लोग आसपास में सुन ही लेते हैं कि कई लोगों ने साइकोलॉजी में MA किया है, कई लोगों ने साइकोलॉजी में PhD किया, तो हम लोग कह देते हैं कि जैसे कोई किसी पर्सन ने मान लीजिए ऐसे किया है ना, तो वो कह देते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर को देख के ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि वो आपके बिहेवियर को, जैसे आप व्यवहार कर रहे हो, उस सबको देख के आपको समझ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक क्लास में हैं और आपके सामने स्टूडेंट्स हैं और आपने देखा कि एक बच्चा बहुत चुपचाप बैठा है, तो आपने उसके बिहेवियर को देखा कि उसका बिहेवियर है कि शांत होकर चुपचाप अकेले बैठा है, तो आपने उसके बिहेवियर को नोटिस किया और अब आप उसकी प्रॉब्लम को जो है समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि कई बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, मतलब उनको एकदम गुस्सा आ जाता है, वो आपकी बात नहीं मानना चाहते हैं, तो ऐसे में टीचर क्या करेगा कि उस बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दे, पेरेंट्स से कंप्लेंट कर दे कि भाई आपका बच्चा तो सही से बिहेव ही नहीं करता है क्लास में। तो वो करने की बजाय, उसको पनिशमेंट देने की बजाय, उसको समझा जाए कि बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ही हमने साइकोलॉजी को जो है वो एक एजुकेशन के एरिया में लेके आए हैं, ताकि बच्चे का जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, उसको समझा जा सके, तभी बच्चे को अच्छे से सिखाया जा सकता है, ठीक है, तभी उसका अच्छे से विकास, उसका डेवलपमेंट तभी अच्छे से किया जा सकता है। तो अभी जो है वो हम इसका मीनिंग यहाँ इतना
पूछेंगे अभी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, कि व्यवहार का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। तो अब हम एक बार इसकी एपिस्टेमोलॉजी की बात कर लेते हैं कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है कैसे बना, फिर हम अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे कि साइकोलॉजी शब्द कैसे बना और कैसे कैसे इसके अर्थ जो है वो अलग अलग समय में चेंज हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो साइकोलॉजी शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। ये जो पूरा शब्द है ये है इंग्लिश का शब्द, लेकिन ये दो एक लैंग्वेज, आपको पता है कि ज्यादातर जो शब्द है, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम करते ना कि लैटिन भाषा से बने होते हैं या फिर वो जो है ज्यादातर ग्रीक भाषा से बने होते हैं, ठीक है। इन दो भाषाओं से ज्यादातर शब्द जो है वो बने होते हैं। हम ज्यादातर याद करते ना कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाए या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाए, तो ज्यादातर शब्द इन दो भाषाओं से, इन भाषाओं के शब्दों से बने हुए होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ठीक है। वो शब्द कौन कौन से हैं इसको एक प्रकार से आप तोड़ के देख सकते हो। एक है साइकी, ठीक है, साइकी, और दूसरा है लोगोस, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक साइकी और दूसरा लोगोस, इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी, या इसको हिंदी में आप कह सकते हो कि अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी या अध्ययन करना। बट ये जो साइकी है इसका कोई अर्थ जो है वो, अब तो हम साइकी का अर्थ जो है वो बिहेवियर लेते हैं, बट इसका अर्थ जो है अलग अलग स्टेजेस में जो है वो अलग अलग स्टेजेस में बदलता गया। लोगोस का मतलब तो स्टडी ही रहा, बट साइकी का जो अर्थ है वो अलग अलग स्टेजेस में बदला, फिर एंड में जाकर जो है वो बिहेवियर डिसाइड हुआ। अब मैं उन स्टेजेस की बात कर लेती हूँ कि कैसे कैसे इसका अर्थ जो है वो चेंज हुआ। इसकी कोई फोर स्टेजेस है, ठीक है, जिसमें इसका अर्थ जो है वो बदलता रहता है। इसे मैं साफ कर देती हूँ फिर हम लोग अच्छे से करेंगे। तो हम लोग जो इसके अलग अलग स्टेजेस में जो है वो साइकी का मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो शब्दों से बना है, साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इसका जो है वो अर्थ चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं हम इसे, सबसे पहले जो है इसका अर्थ लिया गया था सोल, सोल यानी आत्मा, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, यानी जो हमारी आत्मा है उसका अध्ययन है, ठीक है। बट इस परिभाषा को, साइकोलॉजी की इस परिभाषा को माना नहीं गया, वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि इस पे कई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। पहली बात तो ये आई, कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, कहते हैं कि ये दिखती कैसी है, इसका क्या स्वरूप है, क्या इसका नेचर है, ये कहाँ है, इसकी स्टडी कैसे की जाए। जैसे हम लोग कहते ना कि हम कहते हैं भूतों की हम बातें करते हैं ना कि आत्माएं हैं, होती है ये सब, तो कहाँ है वो आत्मा, मतलब जैसा बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व करके उसको स्टडी किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। बट सोल, आत्मा कहाँ है, क्या चीज है, उसकी कैसे स्टडी की जाए, इस तरह के बहुत प्रश्न उठे, उसका क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया। तो साइकोलॉजी की इस परिभाषा को, कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है, इसको नहीं माना गया, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसका यही मीनिंग लिया गया कि स्टडी ऑफ सोल जो है वो साइकोलॉजी का मीनिंग होता है, बट से इसका क्रिटिसिज्म किया गया, इसे कैंसिल कर दिया गया। और इससे जुड़े हुए जो पर्सन थे वो थे एरिस्टोटल। ऐसे एक एक जो ऐसे स्टेज आएगी वो आप याद कर लेना कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट उनसे जुड़े हैं, जैसे एरिस्टोटल, मतलब उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, इस चीज को एरिस्टोटल ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो साइकी है उसका मीनिंग लिया गया माइंड से, ठीक है, माइंड यानी मन से, ठीक है, मन से, मतलब ब्रेन नहीं, जो हमारा एक ब्रेन है, यहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा दिखता है, वो एक प्रकार से ब्रेन है। माइंड का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में जो फंक्शनिंग होती है ना, उसे माइंड कहते हैं। हम लोग जैसे हिंदी में मन कहते हैं ना, कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा आज, या मेरा ये काम करने का मन नहीं लग रहा, वो वाला मन है ये, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में लिया गया साइकी का मतलब माइंड। तो कहा गया कि स्टडी जो है वो, जो साइकोलॉजी है उसका मीनिंग है स्टडी ऑफ माइंड, यानी मन का अध्ययन करना। बट इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि मन क्या चीज है। अब हम लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, या उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, अभी हमें क्या बताओ, मन क्या चीज है, कहाँ है वो मन, हम कैसे उसकी स्टडी करें।
तो ऐसे ही प्रश्न जो कि सोल में आए वो भी यहाँ भी वही क्रिटिसिज्म हुआ, तो ये भी जो है इसकी परिभाषा को भी जो है वो नहीं माना गया सही, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। और पेस्टोलजी जो है इससे संबंधित एक व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि हाँ ये ठीक है परिभाषा, बट बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो नहीं इस चीज को भी एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेज आती है, ये फोर्थ और थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब मेनली जो क्वेश्चन है इन दोनों जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से याद रखने आपने, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में जो है वो कहा जाता है कॉन्शियस बिहेवियर, एक मिनट आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो थर्ड पे इसका मीनिंग लिया गया कॉन्शियस से, ठीक है, कॉन्शियसनेस या इसको बोलते हैं चेतना, ठीक है। तो तीसरे स्टेज में बोला गया कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारी चेतना है उसको ही कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, ये लिया गया। बट यहाँ पर भी इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। क्रिटिसिज्म करने से पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पर्सन थे जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। सबसे पहले जो है वो आते हैं विलियम जेम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है विलियम जेम्स, इनके बारे में एक दो बातें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। विलियम जेम्स, एक बार मैं देख लूँ सही से बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ठीक से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले विलियम जेम्स है इस परिभाषा को सपोर्ट करते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं। वो 1819 में अपनी एक बुक लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। विलियम जेम्स, इनके बारे में जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी और एक दो बातें इनके बारे में बताऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विलियम जेम्स ने इस परिभाषा को सपोर्ट किया और 1819 में उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में उन्होंने पूरा कॉन्शियसनेस का बारे में बताया और पूरा डिफाइन किया कि हाँ ये डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं एक बार विलियम जेम्स के बारे में आपको कुछ चीजें जो है वो बता देती हूँ, इसे मैं साफ कर रही हूँ। विलियम जेम्स है, उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। और इनकी बुक आई 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज दी है, हम लोग आगे बात करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, देन उसके बाद हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे। तो इन्होंने फंक्शनलिज्म जो आएगा हम जब स्कूल्स की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, वो भी विलियम जेम्स ने ही दिया है फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो इनके बारे में हमने ये बातें याद रखनी है विलियम जेम्स ने कि इन्होंने सबसे पहले इस परिभाषा को सपोर्ट किया, इन्होंने इनकी बुक है 1890 में लिखी इन्होंने, ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है, और फंक्शनलिज्म जो है वो इन्होंने ही दिया है, ठीक है। जब भी ऐसे बात आए फंक्शनलिज्म यानी रचनावाद की बात करते हैं तो वो भी जो है इन्होंने ही दिया है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पर्सन जिन्होंने इस चीज को जो है वो सपोर्ट किया, ठीक है। एक तो इस वाली परिभाषा को विलियम जेम्स ने सपोर्ट किया, और जो दूसरे पर्सन थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है विलियम वुंट। इनका नाम बहुत ज्यादा आपको सुनाई देगा, ठीक है, मतलब सुनाई देगा मीन्स टू से इस एरिया में इनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन आते हैं विलियम वुंट जिन्होंने इस परिभाषा को सपोर्ट किया, ठीक है। और विलियम वुंट कौन है उनके बारे में दो तीन बातें हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, इसे मैं साफ कर रही हूँ, भी बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, फिर वो चीजें लिखनी भी है ना यहाँ पर, ठीक है। विलियम वुंट के बारे में, इन्होंने भी इस परिभाषा को सपोर्ट किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि थोड़े थोड़े ये डिफरेंस हो रहा है इनमें, जैसे अभी विलियम जेम्स की बात चल रही थी, विलियम जेम्स फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है,
बट ये है फादर ऑफ साइकोलॉजी, इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। और विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म दिया है, और जो विलियम वुंट है उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म की बात की। जब बात आएगी कि स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया है तो इन्होंने ही दिया है, विलियम वुंट ने। ठीक है, दो बातें इनके बारे में कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको कहा जाता है और स्ट्रक्चरलिज्म भी इन्होंने ही दिया है। और विलियम वुंट से एक और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि पहली जो लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो किसने खोली, यानी किसने उसकी स्थापना की, तो वो थे विलियम वुंट। ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो विलियम वुड थे, इन्होंने ही खोली थी। और कब खोली थी, वो थी 1879 में। कहां, तो वो जगह थी जर्मनी। जर्मनी वही जगह है, एक मिनट मैं सही से लिख देती हूँ उसे, जर्मनी वही जगह है जहां से वो थे ना, क्या उनका मूछे थी वो, अभी मुझे इनका नाम नहीं याद, हिटलर वही से थे ना, तो ये वही जगह है, आप याद रख सकते हो। ऐसे हिटलर ने बहुत ही लोगों को मारा। ठीक है, तो जर्मनी में इन्होंने खोली 1879 में। और जर्मनी में भी स्पेशली एक जगह आप याद रख सकते हो, लिप्ज़िग। ठीक है, लिप्ज़िग में इन्होंने खोली। तो ये वाली विलियम वुंट से आपको बातें याद रखनी है कि इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म जो कि एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो वो भी उसकी स्थापना भी इन्होंने की, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो मनोविज्ञान इसकी पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी विलियम वुंट ने खोली थी। और कहां पर, जर्मनी में लिप्ज़िग में 1879 में। ठीक है, अब जब हमने फर्स्ट लेबोरेटरी की बात कर ही लिया, तो हम इंडिया में भी बात कर लेते हैं कि इंडिया में फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो कब खोली गई थी। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें, ये तो ये था कि जर्मनी में खोली गई, इंडिया में 1916 में खोली गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा खोली गई थी, तो उनका नाम था डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता ने खोली थी। और कहां पर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता बोलते हम, ठीक है, उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कह लो या कुछ भी, ठीक है, विश्वविद्यालय कह लो या वो कह लो, हिंदी इंग्लिश का ही फर्क है। ठीक है, तो इंडिया में 1916 में डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो है वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। और जर्मनी, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि सबसे पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई, तो विलियम वुंट के द्वारा, वो भी जर्मनी लिप्ज़िग में 1879 में। और इंडिया में पहली, इंडिया में बात करेंगे तो N.N. सेन गुप्ता कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में खोली। अब यहीं पर हम लोग एक और बात याद रख लेते हैं कि अगर हमने इंडिया में बात की, हमने जर्मनी में बात कर ली, तो हम USA में भी बात कर लेते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, इसे मैं साफ कर देती हूँ अब, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास यहाँ लिखने के लिए। इंडिया में बात कर ली हमने लेबोरेटरी की, तो एक बार हम लोग जो है वो USA में भी बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि USA में पहली जो लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो किसने खोली। ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जो हमारे, हम लोग बात करें कि जो पहली लेबोरेटरी खोली गई थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, वो थी 1883 में खोली गई थी। ठीक है, 1883 में, और उनका नाम था स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने ये प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, मतलब कि लेबोरेटरी। और कहाँ पर खोली थी, तो हम इसका नाम लिख लेंगे, एक मिनट में उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको बता देती हूँ, ताकि हम अच्छे से याद रहे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर हम USA से पूछा जाए, तो 1883 में स्टेनली हॉल ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जो है वो खोली थी। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने सारी लेबोरेटरीज की बात कर ली। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग थे थर्ड स्टेज में, कि थर्ड स्टेज जो है उसको हम बात कर रहे थे कि मतलब किस किस ने जो है वो इसको इसमें अलग अलग जो है मतलब कि अलग इसको सपोर्ट किसने किया। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को मैंने आपको बात की कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस परिभाषा को विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने सपोर्ट किया था। तो विलियम वुंट के बारे में मैंने आपको काफी बातें बता दी थी। एक बात और है जो मैं अभी यही लिखवा देती हूँ, इनको एक तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, और इनको एक और इनके बारे में बात है, वो है कि इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए
कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर कौन है, तो वो भी विलियम वुंट ही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी परिभाषा। अब हम लोग बात, क्योंकि हम हर एक परिभाषा की जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो यही बात रुक जानी थी, फिर इसके आगे और मीनिंग निकलने ही नहीं थे। लेकिन इस परिभाषा को भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया, इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया, तभी तो आज हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि इसकी अगली परिभाषा भी आई, इसमें कोई ना कोई कमी तो थी। अब कमी क्या क्या थी, इसका तीन चार बेसिस पे जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है, तो हम लोग इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। तीन बेसिस पे इसका मेनली क्रिटिसिज्म किया गया था। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसकी तीन बेसिस पर जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि कॉन्शियसनेस को फाइनल डेफिनेशन नहीं माना गया। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म किया गया, बोला गया, जैसे आपने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो तीन तरह की बात किया, वो एक तो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस, देन उसके बाद अनकॉन्शियसनेस, यानी इस तरह के माइंड की बात करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसके बाद वो बात करते हैं सबकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस मतलब चेतन, ठीक है, चेतन, और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, और सबकॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतन। ठीक है, तो बात की गई, ये सिगमंड फ्रॉइड ने इसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया। एक बार मैं इनको भी समझा देती हूँ जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी कहने मतलब कि ज्यादा डीपली हम इसमें नहीं जाएंगे, अलग से समझेंगे। कॉन्शियसनेस यानी चेतन का मतलब होता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पूरा कॉन्शियस होके पढ़ा रही हूँ, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन बना है, मैं हर चीज के प्रति अवेयर हूँ कि आसपास क्या हो रहा है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है, मैं कॉन्शियसली आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, ये मेरा, ये हम उसको हम बोलेंगे कॉन्शियस, यानी मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ क्या हो रहा है मेरे आसपास। ठीक है, फिर अनकॉन्शियस, जिसमें हम लोगों के आसपास क्या हो रहा था हमको पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम वाइल्ड स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो हम उस स्थिति में होते हैं, हम अनकॉन्शियस स्थिति में होते हैं। अभी रात को हम लोग सो रहे हैं, ठीक है, 3 बजे हम सो रहे हैं, हमको कोई आगे उठा के खड़ा कर दे, मतलब एकदम हम खड़े नहीं हो पाएंगे, अपने बॉडी पे बैलेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम अनकॉन्शियस एकदम स्थिति में है। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्थिति में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, देन सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से हम ना तो कॉन्शियस रूप में होते हैं ना अनकॉन्शियस रूप में होते हैं, मतलब ना तो हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं और ना ही हम पूरी तरह से ऐसे कि हम लोग को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे साथ कभी कभी होता है कि मैंने, जैसे मान ली यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन रही हूँ या कहीं कोई ऐसे एजुकेशनल कोई वीडियो मैं सुनती हूँ, तो ज्यादातर मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं सोचने लग जाती हूँ बीच में कुछ, तो मुझे पता होता है कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, मुझे वो चीजें मैं कैच तो कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उन चीजों को सही से समझ नहीं रही हूँ, क्योंकि आधा मैं कहीं और सोच रही हूँ, तो वो है सबकॉन्शियस। जैसे होता है ना कभी, ओके, तो पहला मैंने आपको क्रिटिसिज्म समझा दिया कि किस बेस पे जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने जो तीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस चीजें दी हैं उसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक है, ये एक्चुअली वीडियो बंद हो गया इसलिए थोड़ा फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो सिगमंड फ्रॉइड ने तीन तरह के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी बेस पर सिगमंड फ्रॉइड का क्रिटिसिज्म करते हैं इस डेफिनेशन का, कहते हैं कि आप तो सिर्फ जो है हमारे जो माइंड है उसके सिर्फ कॉन्शियस जो एक हिस्सा है उसकी ही बात कर रहे हो, बट जैसे कि वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तरह का भी व्यवहार होता है हमारा, उसकी तो उसमें स्टडी नहीं की गई है, तो इस बेस पे भी जो है वो उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, देन सेकंड जो आता है वो इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, कहते हैं कि आप सिर्फ ह्यूमन, इसमें सिर्फ बात की गई थी मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात, तो इस चीज पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया कि दूसरे जीव जंतु उनके व्यवहार की स्टडी करने के इस चीज को उसमें शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन करने को ही शामिल किया गया है, दूसरे जीव जंतुओं का व्यवहार कैसे किया जाए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये सेकंड उस पर इसका क्रिटिसिज्म हुआ। थर्ड पे इसका क्रिटिसिज्म हुआ इंट्रोस्पेक्शन को लेकर, कि इसमें जो एक विधि अपनाई गई थी स्टडी करने के लिए, उस विधि का नाम था इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतदर्शन विधि अपनाई गई थी। ठीक है, स्टडी करने के लिए
व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन विधि अपनाई गई थी। इंट्रोस्पेक्शन विधि होती है कि आप अपने व्यवहार का खुद अध्ययन कर रहे हो, अंत दर्शन कर रहे हो कि आप खुद नोटिस करो कि आपका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो इस विधि में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि इस स्टडी में ये इंट्रोस्पेक्शन विधि को जो है वो कैसे अपनाया गया था। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला कि तू अपने बिहेवियर के बारे में खुद विश्लेषण कर, तू कैसा बिहेव करता है कैसा नहीं, फिर तू मेरे को अपना सारा बिहेवियर बता और मैं ये सारी बातें लिख लूंगी और इस तरह से तेरे बिहेवियर की स्टडी हो गई। तो क्या इस तरह से, इस तरीके से, इंट्रोस्पेक्शन वाले तरीके से स्टडी करना सही रहा? सही कैसे नहीं रहा कि मेरा जो दोस्त है वो अपने बिहेवियर के बारे में हो सकता है सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताए, उसका बिहेवियर में जो अवगुण है वो उनको बताए ही ना, गलत बातें अपने बिहेवियर के छुपा ले। वो तो हर कोई पर्सन, ये नेचुरली है, नॉर्मल है कि कोई भी पर्सन अपनी गलत बातें ज्यादातर लोगों को नहीं बताते, अपने बारे में अच्छा अच्छा ही बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन विधि में हम अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इस विधि से, क्योंकि जिस पर्सन की भी हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे आप खुद ही अपने व्यवहार की स्टडी करके आप हमें बताओ, तो वो आधी चीजें छुपा लेंगे। तो इस चीज में बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि जो विधि अपनाई है वो सही नहीं है, इस तरह से जो कंक्लूजन निकालेंगे वो वैलिड नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होंगे, विश्वसनीय हम उनको नहीं मानेंगे, वैध नहीं मान सकते पूरी तरह से। तो इस चीज पर इनका क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं चल रहा है सब सही से। तो फिर उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ स्टेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी वाले जो फोर्थ स्टेज है इसी वाले डेफिनेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला और इसी को अभी माना जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया साइकी का मतलब जो है वो बिहेवियर लिया गया। ठीक है, बिहेवियर यानी व्यवहार लिया गया। ठीक है, तो एंड में कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, ये फोर्थ स्टेज में जाके माना गया। ठीक है, अब इस चीज को, इस डेफिनेशन को सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? उनका नाम था विलियम मैकडॉगल। ठीक है, विलियम, एक मिनट में इनकी स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ, ठीक है कि नहीं। ठीक है, एक एल आएगा इसमें, विलियम मैकडॉगल, इन्होंने सबसे पहले इस डेफिनेशन को जो है वो सपोर्ट किया कि हाँ ये डेफिनेशन जो है वो सही है। जैसे आपने, मैंने लिखवाया कि हर एक स्टेज में एक एक जो साइकोलॉजिस्ट थे काफी आए, बट मैंने एक एक आपको नाम लिखवाया जो मेन थे, उन्होंने सपोर्ट किया उस डेफिनेशन को। तो सबसे पहले विलियम मैकडॉगल आए, इन्होंने दो बुकें लिखी। ठीक है, इन्होंने 1908 में जो बुक लिखी उसमें इन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट किया, इसके सपोर्ट के बारे में, साइकोलॉजी का जो एक मीनिंग था वो उन्होंने पूरा बताया अपनी इस बुक में। उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और सेकंड बुक उन्होंने लिखी थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने दो बुकें लिखी, विलियम मैकडॉगल ने, आपने ये याद रखनी है। तो जो 1908 में लिखी उस वाली बुक में इन्होंने अच्छे से साइकोलॉजी मीनिंग बताया। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो एक विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी एक साइंस है जो एक सभी जीवों के व्यवहार के सभी पक्षों, सभी जीवों, पहले याद रखना है कि सभी जीवों के व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन करने में मदद करता है। इस तरह की एक साइंस, इस तरह का एक जो है वो विज्ञान है ये। वैसे भी कॉन्शियसनेस जब इसका मीनिंग माना गया था तब इस चीज का बड़ा क्रिटिसिज्म किया ना, मैंने आपको भी बताया कि सिर्फ ह्यूमंस के व्यवहार के लिए है ये, तो इसलिए मैकडॉगल ने इस बार पूरा बता दिया कि सभी जीवों के सभी व्यवहार के सभी पक्ष, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, भावना, कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों के व्यवहार के स्टडी करने में मदद करता है, ये विलियम मैकडॉगल ने कहा। उसके बाद एक और जो साइकोलॉजिस्ट आए उनका नाम था, एक मिनट में, जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन, इन्होंने इस डेफिनेशन को सपोर्ट किया। जेबी वॉटसन को जो है वो हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी इनको हम व्यवहारवाद का जो है वो जनक मानते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, जेबी वॉटसन को, तो इन्होंने भी जो है इस चीज को जो है मतलब कि सपोर्ट किया, इस डेफिनेशन को जो है वो सपोर्ट किया। ठीक है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है, तो वो जेबी वॉटसन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वाली जो
एक और, हाँ इसमें एक चीज और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने आपको मैंने बता दिया कि अलग अलग स्टेजेस आई चार, और इसमें साइकोलॉजी का यानी साइकी का मीनिंग बदलता रहा, ठीक है। अब अंत में एक इन सबको मिलाकर एक डेफिनेशन आती है वुडवर्थ की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एंड में एक प्रकार से हम उसको मान सकते हैं और इन सबका कंक्लूजन के रूप में हम उस डेफिनेशन को मान सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इसे साफ करके फिर अभी कराती हूँ। ओके, तो ये एंड में वुडवर्थ की एक डेफिनेशन आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम कंक्लूजन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। वुडवर्थ कहते हैं कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि सबसे पहले उसने अपनी आत्मा खोई, जैसे मैंने आपको बताया ना फोर्थ स्टेज में सबसे पहले सोल मीनिंग लिया गया था, फिर उसका मीनिंग माइंड लिया गया था, फिर कॉन्शियसनेस लिया गया था, लेकिन सबको कैंसिल कर दिया गया और लास्ट में बिहेवियर बचा सिर्फ। तो वही इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, देन इट्स माइंड, फिर उसने अपना मन खो दिया, उसके बाद देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर उसने अपनी चेतना खो दी, उसके बाद इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, कि बस कुछ व्यवहार बचा है अब। तो यही डेफिनेशन बड़े आराम से याद रह जाएगा, फोर्थ स्टेज सबसे पहले सोल माइंड कॉन्शियसनेस एंड देन बिहेवियर, ठीक है। तो अभी हम इसको बिहेवियर मानते हैं, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने, मैंने एक छोटी वीडियो इसलिए बनाई, एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही मान लीजिए, जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया, और इसमें इस वीडियो में काफी इम्पोर्टेंट चीजें भी मैंने आपको बताई हैं कि कौन किसके फादर माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जो जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, वो सारी बातें जो है वो आपने अच्छे से याद रखनी है, आप नोट्स बना सकते हो वीडियो देख के, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो वीडियो है, मैंने पहले ही बताया कि केवीएस एनवीएस डीड प्लस वी वाले जो भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। आने वाले दिनों में इस तरह से ही मैंने जितनी भी इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उस पर वीडियोज डालनी है, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हो, आप इन वीडियोज को देख सकते हो। अगर आपकी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।